गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा था स्वस्थ तन सुखी जीवन। अगर हमारा शरीर सही होगा तो हमारा जीवन भी सुखी होगा। तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं तो वो आपने कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हों तो आप कर लेना। तो इसके क्वेश्चन देखिए, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? तो जैसा कि आपको पता है कि बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे, मोबाइल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा ने बच्चों के बीच जाकर क्या कहा? उन्होंने कहा, देखो इसमें जैसे चैप्टर में है ये क्वेश्चन, ये सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के साथ बैठो तो दो बातें काम की सीखोगे। तो इस तरह से ये लाइन हमारी इस आंसर में आ जाएगी, क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वस्थ तन सुखी जीवन कैसे होता है? स्वस्थ तन यानी कि हम जैसे सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करें, और जैसे देखो यहाँ दादाजी ने हमें बता रखा था कि वातावरण को साफ रखें, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह ताज़ा हवा लेनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, इससे हमारा शरीर एकदम स्वस्थ और तरोताज़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, बुरी बात है गंदगी, यहाँ से आपको ये फिल करने हैं, अच्छी बात है सफाई, हंसो और हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ओके बच्चों, दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी, तो इसका आंसर देखिए क्या है, जब बच्चे नहा धोकर आ गए, खाना खाकर आ गए, जब बच्चे खेलकर आ गए, जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए, तो हमारा आंसर होगा ये वाला, क्योंकि वो अनु और जो उसका भाई था किराएदार के जो बच्चे थे दो, वो गंदे हाथ पैर लेकर वहां आ गए थे, खुशी और अनु, तो उन जब वो हाथ पांव धोकर आए तो उन्हें दादाजी ने शाबाशी दी। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, यह बात किसने कही, दादाजी ने, माताजी ने, बच्चों ने या दादी जी ने? तो ये कही थी दादाजी ने। शाम के समय दादाजी कहाँ बैठते थे? तो इसका आंसर देखिए क्या है, शाम के समय दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में, यह बात किसने किसको कही? तो इसका आंसर देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट पेज पे बताया था, यह बात सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों से कही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अनु था। दादाजी के भुएं ऐनक के घेरे से बाहर तक क्यों और कब आई? तो इसका आंसर आपने पढ़ा था ना कि खुशी और अनु के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की भुएं ऐनक के घेरे से बाहर आ गई। समझ में आया बच्चों कि दादाजी ने बहुत उनको जैसे थोड़ा वैसी नज़र से देखा कि भौहें ऐनक के बाहर से भी आ गई, ऐसे चौंक कर देखा कि वो गंदे हाथ पांव से आ गए वहाँ खेलते खेलते। उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे साफ सफाई की बात आई हो, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। पहली लाइन तो हमारी हो गई कि बुरी बात है गंदगी और अच्छी बात है सफाई, गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें उससे बचाती है। समझ में आया बच्चों कि गंदगी तो कई तरह की बीमारियां लाती है हमारे शरीर के अंदर, जिनसे हम बिल्कुल आलस में आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और सफाई हमें इन सारी बीमारियों से बचाती है। नेक्स्ट देखिए इसका, साफ सफाई रखो भाई अच्छी तबीयत होगी। सभी से कहा गया है ये कि साफ सफाई रखो भाई अच्छी तबीयत होगी, वातावरण को भी साफ रखना चाहिए, हमें अपने घर तथा कपड़ों को भी साफ रखना चाहिए। इस तरह से ये सारे जो साफ सफाई की बातें आई थी चैप्टर में वो हमने आपको यहाँ
दिखाइए। आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती हैं? तो देखिए, हमारे जो चैप्टर के लास्ट लाइन पे था कि स्वास्थ्य संबंधी हमको कौन सी गोलियां दी जाती है, विद्यालय में मिलने वाली डी वर्मिंग की गोलियों से पेट की बीमारियां दूर होती हैं, आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। दादाजी इस तरह हमें बताते गए। क्या कहा दादाजी ने कि जो विद्यालय में डी वर्मिंग की गोलियां दी जाती हैं, एक तो वो पेट की बीमारियां दूर करती हैं और आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। तो ये दो गोलियां हमारे जो स्कूल में दी जाती हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6-7। आपकी, हाँ ये तो हो गए हैं अपने क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारे मतलब इसमें जो आएंगे, स्वस्थ रहने के तरीके ना अपनाने पर हानि, हमें रोजाना नहाना चाहिए, तो ये हमें अच्छा स्वास्थ्य देंगे, और अगर हम इनको नहीं अपनाएंगे तो हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, शरीर में खुजली हो जाएगी। अगर हम रोजाना नहाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, नहीं नहाएंगे तो शरीर में खुजली हो जाएगी। रोजाना दो बार दांत साफ करने चाहिए, नहीं करेंगे तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे। वातावरण को साफ रखना चाहिए, नहीं तो मच्छर बीमारियां फैला देंगे। नेक्स्ट देखिए इसको, नालियों को साफ रखेंगे नहीं तो मच्छर पैदा हो जाएंगे। खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा लेंगे, नहीं तो फिर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी। इस तरह से स्वस्थ रहने के तरीके हैं, ये ना अपनाने पर हानियां। दोबारा देखिए बच्चों, हमें रोजाना नहाना चाहिए नहीं तो शरीर में खुजली हो जाएगी। हमें रोजाना दो बार दांत साफ करने चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को। आप सभी करते हो, अगर नहीं करते तो फिर आप उसे करने लग जाओ, नहीं तो आपके दांतों में कैविटी लग जाएगी, और कैविटी यानी कि कीड़े लग जाएंगे। वातावरण को शुद्ध और साफ रखना चाहिए, मच्छर बीमारी फैला देंगे, ना अपनाने पर हानियां, तो मच्छर बीमारी फैला देंगे। नालियों को साफ रखेंगे नहीं तो मच्छर और अधिक पैदा हो जाएंगे। खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा लेंगे नहीं तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। इस तरह से ये हमारे हो गए साफ सफाई के फायदे और नुकसान। अगर आपको भी कुछ और आते हो तो आप उनको कर सकते हो। ये देखिए भाषा की बात, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, रेखांकी शब्द सर्वनाम है, हमें यहाँ सर्वनाम शब्द है। इसी प्रकार पाठ में आए सर्वनाम शब्द छांटिए। अब ये देखिए, हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए, शुद्ध क्या है यहाँ, रेखांकित शब्द शुद्ध विशेषण है। विशेषण शब्दों वाले 5 वाक्यों को पाठ में से छांट कर लिखिए। तो अब हम देखेंगे, देखो कौन कौन से इसमें जो विशेषण शब्द हैं और सर्वनाम शब्द हैं। नेक्स्ट इसका देखिए बच्चों, रिक्त स्थान, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं, यहाँ से हमें इनमें से छांट कर लिखना है। पसीना तो बदबू मारता है, यहाँ देखिए, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। आगे देखिए, सही मिलान के साथ इनको मिलाइए, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा, मक्खियाँ, झाड़ू, व्यायाम, भिनभिनाती फर्श। तो हम इनको कैसे मिलान करेंगे, शारीरिक के साथ व्यायाम आ जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य आ जाएगा, झाड़ू फर्श पर लगती है और मक्खियाँ कहाँ क्या करती हैं, भिन भिन आती हैं। तो इस तरह से ये हमारे मिलान हो जाएंगे। कीटाणु कहाँ कहाँ पैदा हो जाते हैं, साफ सफाई न रखने से, गंदे कपड़े पहनने से, नालियों में गंदगी जमा होने से कीटाणु पैदा हो जाते हैं। ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे वो आपने कर ही लिए हैं। आप इस चैप्टर को दोबारा अच्छे से पढ़ोगे
तभी आप इनको समझ पाओगे कि किस तरह से हमें इनको अच्छे से करना है। और आप चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हैं कि ये पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो जाएंगे। जैसे जीवन में खेल खेलने का क्या महत्व है, खेल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खेलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, ये हमें चुस्त और दुरुस्त बनाते हैं। इस तरह से हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं पूरे चैप्टर में यही हैं, ये जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका सारा मतलब समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।